हेलो गाइस, होप्स आप सभी लोग ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में करेंगे जो यू कॉन्सोल था उसकी आज फुल टेस्टिंग वगैरह करेंगे, कितना कैपेबल है ये, किस काम के लिए आप क्या आ सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ कवर करेंगे। ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस वगैरह रहने वाली है, कितना हीट करता है एंड कितना आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज कितना आप कितने कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह चला सकते हो इसमें। तो आज की वीडियो में सब कुछ मैं कवर करूंगा। आज की वीडियो को जो पूरा देखना, आगे तक एंड तक पूरा देखना, तो आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो चलो फिर सीधा इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट कोर किचन आप मेरे से खरीद सकते हो सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज में। मेरे इंस्टा पे आप जाके मुझे डीएम कर सकते हो एंड वहीं से आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हो। यहाँ कहीं मेरा इंस्टा का वो होगा अपना जो URL, वहां से आप मेरे को इंस्टा पे डीएम करके कोर किचन ऑर्डर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को, मतलब टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो ये है यू कंसोल, अभी मैंने इसको स्विच ऑफ कर रखा है। जल्दी से इसको टर्न ऑन करता हूँ, आपको अप टाइम दिखाता हूँ कितनी देर में ऑन होता है। तो यहाँ पे बटन दबा के रखना है, ग्रीन लाइट अपने आप चल जाएगी, यहाँ पे थोड़ी देर में डिस्प्ले आ जाएगी। यहाँ पे टाइमर शुरू हो गया होगा यहाँ कहीं, तो टाइमर के हिसाब से आप देख लेना कि कितनी देर में ये चालू होता है। हाँ, तो ये ओवरऑल यहाँ पे ऑन हो चुका है इसका सिस्टम, यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कीबोर्ड से शुरू करता हूँ, कीबोर्ड आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कीबोर्ड देख सकते हो, फुल फ्लेज्ड कीबोर्ड रहने वाला है। यहाँ पे आपको गेमिंग के लिए जो बटन मिलते होते हैं, जो गेमिंग्स वगैरह में यूज होते हैं, वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ट्रैक बॉल मिल जाएगी, ट्रैक बॉल से आप माउस को कंट्रोल कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे हो गया, ये माउस का लेफ्ट बटन है, माउस का राइट बटन आपको मिल जाएगा एंड ये आपको अप डाउन के बटन्स मिल जाएंगे, अप डाउन राइट लेफ्ट के एंड ए बी एक्स वाई वाले आपको बटन्स मिल जाएंगे। नीचे आपको फुल फ्लेज्ड कीबोर्ड मिल जाएगा विदाउट नम पैड। यहाँ पे आपको नंबर पैड मिल जाएगा, नंबर्स के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे फंक्शन बटन मिल जाएगा, बाकी आपको ESC वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये विंडोज वाला नहीं है, जो अपने रेगुलर जो कीबोर्ड होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये लिनक्स के लिए बेसिकली बना हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे आपको की वो मिल जाएंगे एंड यहीं से आप इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ब्राइटनेस मैं आपको बढ़ा देता हूँ, ये ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ जाएगी, यहाँ से घट जाएगी। तो ये यहाँ से फंक्शन बटन से ही ब्राइटनेस बढ़ जाती है एंड फंक्शन बटन से ही कीबोर्ड में भी लाइट आ जाती है, कीबोर्ड में भी लाइट है। अभी तो आपको दिखेगी नहीं बट अंधेरे में आपको दिख जाएगी ये। तो कीबोर्ड में भी लाइट मिल जाती है। ओवरऑल मैं बताऊं अबाउट द ब्राइटनेस ऑफ द डिस्प्ले, ये आपको अच्छे से बाहर जो आउटसाइड वर्ल्ड में आराम से सनलाइट में विजिबल रहने वाली है। इसकी ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस आप देख सकते हो, पीक ब्राइटनेस कुछ इतनी रहने वाली है। ये आउटडोर में अच्छे से विजिबल रहती है। हाँ, तो ओवरऑल ये रहने वाला है 5 इंच की डिस्प्ले रहने वाली है। आपको पहले मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है इसकी असेंबली वगैरह, असेंबली की वीडियो और अनबॉक्सिंग वगैरह की वीडियो, तो जाके वो वीडियो भी जाके देख लेना। तो ओवरऑल अभी मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है एंड ऑलमोस्ट फुल चार्ज है, 100% चार्ज आप देख सकते हो, 100% चार्ज करके रखा हुआ है मैंने इसको, ताकि एक तरीके से आपको बैटरी का भी परफॉर्मेंस में साथ ही साथ इसी वीडियो में दे दो। मैंने इसको काफी टेस्ट किया है। ओवरऑल जब मैं टेस्टिंग कर रहा था इसकी, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अराउंड अराउंड 2.5 से 3 घंटे अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो चल जाएगी एंड हेविली यूज करोगे तो आराम आराम से 1.5 आवर्स तक ये चल जाती है। एंड अगर ओवरक्लॉक कर दोगे, ओवरक्लॉक करने के बाद ये 1 घंटा ही चल पाती है। तो ओवरक्लॉक करके ओवरक्लॉकिंग वाली वीडियो जो मैं आगे कभी बना के दिखा दूंगा। तो ओवरऑल ये कुछ रहने वाला है, यहाँ पे आपको टाइम वगैरह मिल जाएगा एंड अभी एक अपडेट आ रखा है, इसको मैं जल्दी से अपडेट कर देता हूँ। हाँ, तो ये ओवरऑल अभी अपडेट भी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले जो अपना नॉर्मल टेस्ट होता है कि अगर आप कोई भी कंप्यूटर लेते हो, डेस्कटॉप, ऐसा मतलब बेसिकली साइबर यही लेते हो आप क्लॉक का यू कंसोल, तो सबसे पहले मैं करता हूँ क्रोम टेस्ट। तो क्रोम यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, क्रोम में आपको वीडियोस वगैरह चला के दिखा देता हूँ थोड़ी बहुत कि वीडियो का परफॉर्मेंस वगैरह कैसा रहने वाला है। बेसिकली रेसबेरी पाई 4 का हार्डवेयर आता है, तो रेसबेरी पाई 4 वाली ही परफॉर्मेंस आपको मिलेगी एंड ओवर क्लॉकिंग करने के बाद इसमें जो परफॉर्मेंस है वो सच्ची में बहुत अच्छी हो जाती है एंड काफी अच्छा ये परफॉर्मेंस देता है ओवर क्लॉकिंग के बाद। बट वहां पे बैटरी की परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। अभी मैंने इसमें 4000 mAh की बैटरी डाल रखी है, जैसे तो अराउंड अराउंड ओवर क्लॉकिंग के बाद ही 1 घंटा ही चलती है, बट मैं अगर 5000 या 6000 7000 तक चले जाऊं तो मेरे को बेसिकली ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। वन मोर थिंग अबाउट द बैटरी डिपार्टमेंट, बैटरी डिपार्टमेंट में मैंने जैसे कि आपको बताया कि ओवर क्लॉकिंग में 1 घंटा चलती है, अगर आप नॉर्मल इजिली मतलब थोड़ा बहुत यूज करते हो तो आराम से 3 घंटे तक ही।
सो अबाउट द बैटरी डिपार्टमेंट, अगर आप वही नॉर्मल यूज करोगे तो नॉर्मल यूज करोगे तो 3 घंटा चल जाएगी, एंड अगर इसको ओवरक्लॉक करोगे 2.3 गीगाहर्ट्ज तक, मैंने इसको ओवरक्लॉक किया, 1.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है बट मैंने इसको 2.3 गीगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक किया था, एंड उस टाइम पे जो परफॉर्मेंस थी वो मेरी 1 घंटे की ही आई थी ऑन 4000 mAh ऑफ बैटरी। एंड अबाउट द चार्जिंग, चार्जिंग बहुत ज्यादा स्लो है इसकी। जैसे अभी मैंने इसमें 4000 mAh की बैटरी डाल रखी है ना, तो मेरे को ओवरनाइट इसको छोड़ना पड़ता है। अगर मैं रात को 12 बजे छोड़ूंगा तो सुबह 7 बजे जाके मुझे ये फुल 100% चार्ज पे मिलेगा, तो ओवरनाइट छोड़ना पड़ता है इसको फुल चार्ज करने के लिए। तो चार्जिंग का जो है बहुत ज्यादा स्लो है, आपको ज्यादा बैटरी ज्यादा एमएच की डालनी पड़ेगी, 7-8 हज़ार mAh की बैटरी डाल लो एंड फिर थोड़ा सा और आपको बैटरी का एक्सटेंशन मिल जाएगा। सो ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो वगैरह क्वाइट स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही वीडियो चलने में। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो इज क्वाइट स्मूथ, आराम से आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लेना है तो आप इसमें आराम से चला सकते हो। अभी मैंने 1080p वीडियो चला रखी है, आप देख सकते हो स्ट्रेट फॉर नट्स ऑन कर रखा है, एंड थोड़ा बहुत ड्रॉप मिलेगा बट 720p इज क्वाइट स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ओवरक्लॉकिंग कर लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हो कितने सारे टैब्स ये हैंडल कर सकता है। देखो यहाँ पे एक वीडियो चल रही है, यहाँ पे भी वीडियो चल रही है, एंड ये अच्छा खासा हैंडल टैब, मतलब इतने सारे टैब्स को हैंडल कर पा रहा है। सो ओवरऑल इसमें तो कोई इशू है नहीं। तो एक बार ना टास्क मैनेजर खोल लेते हैं इसका। एक बार टास्क मैनेजर और दिखा देता हूँ कितनी रैम ये कंजप्शन कर रहा है। जो मेरे पास अभी वेरिएंट है इसमें 4 GB की रैम है, एंड अपना जो रेस्पबेरी पाई का CM4 है। तो ओवरऑल आधी आधी रैम कंजप्शन हो रही है, CPU कुछ इतना खास हो नहीं रहा है। देखो मैं जैसे एक वीडियो चलाता हूँ बैकग्राउंड में, वीडियो देखो क्वाइट स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। भाई आप स्क्रॉलिंग भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से स्मूथली वीडियोज वगैरह चल जाएगी। एंड जैसे कि मैंने कहा इसको ओवरक्लॉक कर लो तो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस इसकी निकाल देता है। जैसे मैंने 2.3 पे किया था तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल रहा था, आप इसको 2 या 1.8 GHz पे भी क्लॉक करके आराम से यूज कर सकते हो। सो परफॉर्मेंस वाइज कोई कमी नहीं देखी मैंने अभी तक तो इसमें। एंड वन मोर थिंग, इसमें जो एल्यूमिनियम का ये पूरा बॉडी है, इसके टेम्परेचर को इतना कूल डाउन रखता है। यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हो इसका, तो टेम्परेचर देख सकते हो 44 के अराउंड यहाँ पे चल रहा है, एंड CPU वगैरह देख सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे आप CPU देख सकते हो, CPU अपना जो आर्म के कॉर्टेक्स के A72 लगे हुए हैं, एंड क्लॉक स्पीड देख सकते हो 1.5 GHz पे क्लॉक्ड है, एंड मिनिमम जा रहा है 600 MHz पे। सो 4 कोर का अपना CPU रहने वाला है। तो ये CPU वगैरह आप इसका देख सकते हो, ये CPU रहेगा। नेक्स्ट अभी आपको जल्दी से गेम और टेस्ट करके दिखा देता हूँ कुछ। तो यहाँ पे मैंने अभी बहुत सारी गेम्स इंस्टॉल करके रखी हुई है टेस्टिंग के लिए ही बेसिकली। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक गेम चलाता हूँ, कहाँ गई, केव स्टोरी के नाम से एक गेम है। सो गेम ये चला के देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस वगैरह इसमें आती है, लॉन्चिंग टाइम एंड ओवरऑल सारा कुछ बहुत स्मूथ है, कोई भी बॉटल नेक यहाँ पे नहीं आ रहा है। जैसा कि देख सकते हो कोई बॉटल नेक वगैरह नहीं है, गेम्स आर क्वाइट स्मूथ। देखो जैसे कि चल ही पा रही है, देखो बिल्कुल स्मूथ चलेगी गेम्स वगैरह, रेट्रो गेम्स है सारी स्मूथ चलेगी। आपकी मारियो हो गई, निंटेंडो की गेम्स हो गई या PS की गेम्स हो गई, वो सारी आप इसमें स्मूथली चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कितना स्मूथली गेम्स वगैरह आप इसमें खेल सकते हो। साउंड में इसमें इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये साउंड फुल कर दिया है मैंने यहाँ पे। एंड नेक्स्ट जो गेम मैं चलाता हूँ इसमें आपको दिखाता हूँ, माइंड टेस्ट करके है, माइनक्राफ्ट की ही बेसिकली कॉपी है ये माइंड टेस्ट। सो एक बार ये भी आपको चला के दिखा देता हूँ कैसी चलेगी। सो ओवरऑल ये भी देख सकते हो काफी स्मूथ है, माइनक्राफ्ट की तरह ही गेम है ये, बस थोड़ा सा कीबोर्ड का इशू है इसमें। क्वाइट स्मूथ चलेगी, कोई दिक्कत आ नहीं रही है, बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा ये। देखो सो ओवरऑल आप इसमें रेट्रो गेम्स सारी की सारी ही खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जल्दी से इसको क्विट करता हूं मैं, एंड
परफॉर्मेंस वगैरह आप देख सकते हो, ज्यादा सीपीयू यूज भी नहीं होता है। एंड रेसबेरी पाई का तो आपको पता ही है इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है ये कम्युनिटी में, एंड एक तो इसकी लॉन्ग बहुत बिग कम्युनिटी तो है ही है, एंड इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज हो रखा है ना ये रेसबेरी पाई के हार्डवेयर, सो परफॉर्मेंस वाइज आप इसमें चिंता मत करो। सो अभी आ जाते हैं इसके परफॉर्मेंस, तो मैंने आपको बताई थी परफॉर्मेंस के लिए कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं इसमें। एक बार मैं आपको एडवांटेजेस बता देता हूँ इसके, क्या क्या एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस वगैरह बता देता हूँ, कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट एडवांटेज तो कॉम्पैक्ट, आपको अलग से रेसबेरी पाई खरीदने की जरूरत नहीं है, उसकी स्क्रीन खरीदने की जरूरत नहीं है। एंड काफी सारी वीडियो देखी होगी आपने कि रेसबेरी पाई पे आप स्क्रीन लगा रहे हो एंड एक छोटा सा साइबर डेक टाइप कुछ बना रहे हो, सो वो खरीदने की जरूरत नहीं है। आप एक बार में ऐसी कोई चीज खरीदो, अच्छी कूलिंग भी मिलेगी यहाँ पे एंड बड़ी स्क्रीन विद कीबोर्ड अटैच्ड एंड प्रॉपर फिनिश्ड प्रोडक्ट है ये रेसबेरी पाई के हार्डवेयर के साथ। सो एक तो ये अच्छी बात है, काफी स्मूथ चल जाता है। एंड नेक्स्ट जो चीज है, कूलिंग वगैरह आपको इसमें अच्छी मिलती है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एज रेसबेरी पाई का हार्डवेयर है तो आप इसमें ओवरक्लॉकिंग भी अच्छे से कर सकते हो एंड और भी चीजें, मतलब जितने भी चीजें कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट जो चीज है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से सपोर्ट करता है क्योंकि रेसबेरी पाई का हार्डवेयर है। इस पे मैं थोड़ी सी एक और लाइन देने वाला हूँ आगे डिसएडवांटेजेस में, इसका जो एडवांटेजेस है वो भी डिसएडवांटेजेस में ही काउंट होगा। सो नेक्स्ट जो चीज है, ओवरऑल डिजाइन, कॉम्पैक्टनेस, पोर्ट्स, आईओ पोर्ट्स ऑलमोस्ट आपको सारे ही मिल जाते हैं, यूएसबी टाइप ए, टाइप सी, माइक्रो एचडीएमआई एंड ऑडियो यहां से भी मिल जाता है। वन मोर थिंग, आपको इसमें 4G सिम लगाने का भी ऑप्शन मिलता है, इसमें आप 4G सिम लगा के भी यूज कर सकते हो। बाकी एक बार ना आपको एक छोटा सा सिम से याद आया, एक छोटा सा टेस्ट करके दिखा देता हूँ नेट का, स्पीड टेस्ट करते हैं तो परफॉर्मेंस आप देख सकते हो क्वाइट स्मूथ चलता है ये। जल्दी से मैं एक स्पीड टेस्ट भी कर देता हूँ, करके दिखा देता हूँ कितना हार्डवेयर इसका कैपेबल है। यहाँ पे इसका एंटीना लगा हुआ है, यहीं पे एक 4G का भी एंटीना यहाँ पे इन्होंने दिया है। सो यहाँ पे स्पीड टेस्ट शुरू हो चुका है। सो मेरा अभी 30 Mbps का प्लान है तो 30 Mbps से ऊपर नहीं जाएगा ये। सो अभी देखो 16 Mbps जा रहा है अपलोड की, तो अराउंड 20 Mbps, सो स्पीड वाइज भी ठीक है, ऐसा कुछ शिकायत नहीं मिलने वाली आपको। एंड अपलोड स्पीड, डाउनलोड स्पीड देखे आपने, अपलोड स्पीड देख सकते हो 30-35, काफी अच्छी हार्डवेयर स्पीड भी आपको इसमें मिल जाती है। कनेक्टिविटी में भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मेरा वाईफाई कैच कर रहा है, ये स्पीड वगैरह आप देख ही सकते हो इसमें। सो 21 इसकी निकली डाउनलोड एंड अपलोड निकली 29, सो स्पीड में भी कोई दिक्कत है नहीं। सो एडवांटेज में ये तो मैंने गिना ही दिया, कॉम्पैक्टनेस है, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कितना भी आप इसमें mAh का बैटरी डालो एंड उतना ही आपको परफॉर्मेंस वगैरह इसमें मिलेगा। एंड कहीं पे भी यूज कर सकते हो, काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, लिनक्स आप इसमें चला सकते हो, लिनक्स के बाद एज अ साइबर डेस्क को यूज कर सकते हो, हैकिंग मशीन की तरह यूज करना, हैकिंग मशीन की तरह भी यूज कर सकते हो, काले लिनक्स डाल सकते हो। काले लिनक्स में मैं अभी आऊंगा क्योंकि बताता हूँ मैं क्यों दिक्कत है। बाकी आपको आर्डिनो यूज करना है, आर्डिनो भी क्वाइट स्मूथ चल जाता है, देखो तुरंत आप खोलो, मतलब रिस्पॉन्सिव है, कोई भी लैग नहीं है, जैसे अदर सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स वगैरह मैंने आपको दिखाए हैं कि कुछ चीजें नहीं चल रही है, लैग आ रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस OBS इसमें नहीं चल पा रहा है, जैसे ये OBS है तो यहाँ OBS में लॉन्च करूंगा तो OBS में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि ग्राफिक्स का कुछ इशू है, मे बी कुछ इशू हो। सो OBS वगैरह कुछ सॉफ्टवेयर नहीं चल पाते, बाकी ओवरऑल सारी चीजें चलेगी। यहाँ पे मैंने दो ब्राउजर डाल रखे हैं, फायरफॉक्स एंड क्रोम। आप इसमें आर्डिनो आईडी ही, मैंने जैसे बताऊँ प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हो, आर्डिनो आईडी बहुत स्मूथ चलता है, कोई भी टाइपिंग करो आराम से टाइपिंग भी हो जाती है। एंड सकते हो VLC मीडिया प्लेयर भी आप इसमें आराम से चला सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट आपके सारे सॉफ्टवेयर इसमें, अगर आप रेगुलर यूज में लेना चाहते हो, गेम्स खेलना चाहते हो, थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग के लिए लेना चाहते हो, सो वो सारे काम आप इसमें आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑफिस वगैरह मैंने अभी इसमें डाला नहीं है, ऑफिस में मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, एंड ऑफिस भी बहुत स्मूथ चलने वाला है, आपके एक्सेल शीट्स हो गई, वर्ड की शीट्स हो गई, PPT हो गई, वो सारी स्मूथ चल जाएगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि एज हार्डवेयर आपका रेसबेरी पाई का है, रेसबेरी पाई की कम्युनिटी अच्छी खासी बड़ी है, सो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी चार्जिंग का इशू लेने चाहूंगा, चार्जिंग में बहुत इशू है इसका, चार्जिंग बहुत ज्यादा स्लो है, कभी कभी एकदम से डिस्चार्ज होता है, चार्ज नहीं करता है, तो थोड़ा बहुत इशू चार्जिंग के लेके है। नेक्स्ट जो है इसका कीबोर्ड, कीबोर्ड लाइक बहुत ज्यादा छोटा है, अगर आप देखो
फिंगर रखोगे, आप टी दबाना चाहोगे तो कभी वाई दब जाएगा, कभी कुछ दब जाएगा, तो ये भी इशू आता है कई बार। लाइक आपने स्पेस बार दबाया जैसे, तो स्पेस बार दबता ही चला जाता है, क्योंकि ये भी एक आपकी जो है ओपन सोर्स कीबोर्ड है, तो दैट्स वाई ये इशू इसमें आ रहा है। सो कीबोर्ड का इशू है, थोड़े से बहुत छोटे हैं, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है कीबोर्ड में, ये मैं कहना चाहूँगा। बाकी नेक्स्ट जो चीज़ है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को लेकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है, क्योंकि क्लॉकवर्क की इटसेल्फ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा छोटी है, मे बी इन्होंने काम नहीं किया इतना सॉफ्टवेयर पे। सो अभी जैसे मैं इस पर रास्पबेरी पाई ओएस चला रहा हूँ, एक इसका क्लॉकवर्क ओएस भी आता है, वो भी मैंने इस पर रन किया है, तो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम तो इस पर स्मूथ चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। बट अगर मैंने इसको क्यों लिया था, क्योंकि मैं इस पे काली लिनक्स चला पाऊंगा, मोस्ट ऑफ द जो मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो इसीलिए लेंगे कि क्योंकि इस पे काली लिनक्स चल जाए या फिर विंडोज चल जाए, क्योंकि विंडोज सपोर्ट करता है अपना जो रेसबेरी पाई का हार्डवेयर है। बट इसमें इशू क्या आ रहा है, मैंने काली लिनक्स पे चलाया था, काली लिनक्स का बहुत मुश्किल से मुझे एक इमेज मिला जिसमें इसकी कीबोर्ड चल रही थी बट डिस्प्ले नहीं आ रही थी। डिस्प्ले में अगर अपना HDMI से लूँ तो HDMI पे सारे आउटपुट मिल जाए, मतलब डिस्प्ले मिल जाते हैं, बट इसकी इटसेल्फ स्क्रीन का कोई ड्राइवर वगैरह नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं, बैटरी है, मैंने बहुत ट्राई किया अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ, Ubuntu के साथ, Ubuntu का भी इशू आ रहा है, मतलब RBN के साथ भी इशू आ रहा है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर का इशू इसमें मुझे फेस करना पड़ रहा है। सो सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इशू है, सपोर्ट ये सब कुछ करता है, आपको HDMI डायरेक्ट इसमें जो मिनी HDMI है आप इसमें ऑन करोगे ना लगा के, कोई भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम काली लिनक्स लगाओगे या कुछ भी लगाओगे तो वो आपको डिस्प्ले देगा, बट आपके छोटे वाली डिस्प्ले पे नहीं आता, ना कीबोर्ड काम करता है, आपको एक्सटर्नली इसमें जो आपका USB पोर्ट है वहां से नॉर्मली जैसे देते हैं वैसे देना पड़ेगा उसको, एंड फिर आप मॉनिटर में, जैसे यहाँ पे मॉनिटर है तो मॉनिटर में कनेक्ट करके आपको इसको यूज करना पड़ेगा। सो एक ये डाउनसाइड मुझे लगा कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है बट इस आई डोंट नो इसके ड्राइवर्स इसमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे, मतलब थोड़ा बहुत इशू आ ही रहा है, एक प्रॉपर इमेज नहीं है, ना गाइडलाइन डाल रखे है, ना कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि वहाँ पे आपको मिल जाए इसका सॉल्यूशन वगैरह, तो मे बी टाइम के साथ इसमें ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो देखते हैं कितना कब तक इसमें और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है। मैं तो बस काले लिनक्स लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काले लिनक्स तो भैया अपना प्यार है। सो एडवांटेजेस ये हो गए, बाकी ओवरऑल कंक्लूजन किन लोगों के लिए बना है, सो देखो भाई शौक है तो खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर जरूरत है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चल जाती है। बाकी तो ये देखो ये सब चीज़ें शौक वाली चीज़ें हैं, कि आपको शौक है कि एक छोटा सा कंप्यूटर हो हाथ में, मैं उसमें सारी चीज़ें कर पाऊँ, तो इसीलिए आप इसको खरीद सकते हो। बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ और बताने के लिए, क्योंकि रेसबेरी पाई का हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर भी वही है, रेसबेरी OS है, एंड दैट्स इट। बाकी ओवर लाइक 24-25 हज़ार रुपये का ये पड़ता है ओवरऑल इंडिया में आने आते आते, तो वर्थ इट तो मैं कहूँगा कि ठीक ठाक वर्थ इट है, मज़ा तो आता है देखो चलाने में, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में, कूलिंग भी बहुत अच्छी है, एक हैवी बिल्ड फील होती है, एंड लाइक अगर आपका यूजेज है ऐसा कि आपको एक ऐसा वो चाहिए हार्डवेयर कि मैं इसको कहीं पे भी मूव कर पाऊँ लैपटॉप की जगह पे अल्टरनेटिव, सो इस पे लिनक्स भी चलना चाहिए, तो फिर आप इसको ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। मैं देखो बेसिकली मैं इस पे आर्डिनो वगैरह सब कुछ चला सकता हूँ, तो मैंने इसको लिया क्योंकि मेरा थोड़ा प्रैक्टिकल यूज़ है इसका थोड़ा बहुत। सो ओवरऑल यही रहने वाला है, बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, अगली वीडियो में ना मैं इसको ओवरक्लॉक करके भी आपको दिखा दूंगा, ओवरक्लॉक करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस में कितना अपग्रेड आता है मैं आपको वो सब दिखा दूंगा। बाकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया है, थोड़ी बहुत जो भी परफॉर्मेंस वाली वीडियो है छोटी छोटी वीडियोस या सिस बेंच की हो गई या फिर कोई मेमोरी टेस्ट वगैरह की हो गई, वो मैं शॉर्ट्स वगैरह में आपको प्रोवाइड करा दूंगा लॉन्ग वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बता देना। बाकी कोर किचन आप ले सकते हो, कोर किचन कुछ इस तरीके का दिखता है, कोर किचन मेरे को DM कर देना Instagram पे, तो वहाँ से मेरे को मतलब खरीद सकते हो।